आज हमारा एट क्लास के इंग्लिश का लेक्चर नंबर है हमारा 18 और टॉपिक का नाम है फर्स्ट एड। जो हम पढ़ रहे थे ना, हमने ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा ना चैप्टर नंबर सेवन की हम एक्सरसाइज करेंगे और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 की, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ आपके जस्ट 5 क्वेश्चन हैं, तो इस वजह से हम साथ में थोड़ी सी ट्रांसलेशन भी पढ़ लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज है फर्स्ट एड की। इसमें आपके ना क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आप अपनी बुक्स खोलें अपने सामने, जहाँ जहाँ से मैं आपको निशान लगवाऊंगी वहाँ वहाँ से आपने अपनी बुक पे निशान लगा लेने हैं। जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ कैन यू टेल दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम शॉक। कहते हैं कि वो आप कैसे कह सकते हैं कि पर्सन जो है, कोई आदमी जो है वो शॉक में चला जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए पेज नंबर 60 पे, ठीक है। पैराग्राफ नंबर जो आपका फर्स्ट पेज है ना लेसन नंबर 7 का, फर्स्ट एड का, तो इसी के मतलब पैराग्राफ नंबर 2 है, तो वो एक पर्सन का पूछ रहा है। यहाँ पे उन्होंने लोगों का बताया है ना, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। वेन, यहाँ पे आपने पीपल से पीछे लिखना है वेन अ पर्सन, ठीक है। वेन अ पर्सन, पीपल की जगह लिखना है वेन अ पर्सन ऑफर सफर फ्रॉम शॉक। वेन अ पर्सन ऑफर ऑफन सफर फ्रॉम शॉक। आगे आपने ये जो नीचे इसी लाइन से नीचे देखे सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, ही आपने देयर इधर देयर लिखा हुआ है, तो आपने हिज लिखना है देयर को चेंज करके, क्योंकि हम एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं, हम पूरे लोगों के बारे में नहीं बता रहे। हिज फेस टर्न ग्रे एंड द स्किन बिकम्स डैम एंड कोल्ड। फिर यहाँ पे आगे दे लिखा हुआ है, दे की जगह आपने ही लगाना है। ही ब्रीथिज, ब्रीथ लिखा हुआ है, आपने एस करना है ब्रीथ को, ठीक है। और ही ब्रीथिज क्विकली, ये आपका हो गया। देन सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज इट डेंजरस टू मेक अ पॉइजन पर्सन वॉमिट। कहते हैं कि क्यों जो है कि वॉमिट करवाना डेंजरस है, खतरनाक है पॉइजनस पर्सन को। तो ये है आपका पेज नंबर 61, इसका थर्ड पैराग्राफ है, अ पर्सन हु हैज स्वेलोड पॉइजन। ये जो पैराग्राफ नहीं है जिसने जहर के बारे में बताया गया है, इसी की आप देखें फोर्थ लाइन है जहाँ पे लिखा हुआ है इफ ही हैज स्वेलोड सम काइंड ऑफ एसिड, ठीक है। इफ ही हैज स्वेलोड सम काइंड ऑफ एसिड और एनी लिक्विड दैट बर्न इट वुड बी अ बैड थिंग टू मेक हिम वॉमिट। कहते हैं कि इसके लिए एक ये अच्छा नहीं होगा उसको कि हम उसको वॉमिट करवाएं। द पॉइजन वुड बर्न हिज थ्रोट एज इट कम्स अप। अगर वो ऊपर आ गया, जहर अगर गले तक आ गया, तो वो उस गले को जला देगा, इसलिए वॉमिट करवाना उसके लिए ठीक नहीं होगा। देन आपका आ गया है थर्ड क्वेश्चन, व्हाई शुड यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ पॉइजन हैज बीन टेकन और व्हाट काइंड ऑफ स्नेक बिट द पेशेंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आपने यहाँ से करना है, इसी से नीचे ये जो पॉइजन वाला पैराग्राफ है, इसी से नीचे वाला जो पैराग्राफ है जहाँ पे स्नेक और पागल कुत्ते ने काटा था, वो वाला जो पैराग्राफ नहीं है, इसी की आप देखें फोर्थ लाइन है। इफ अ पर्सन इज बीटन बाय अ स्नेक, ये वाला जो पैराग्राफ है इसी की फोर्थ लाइन है। इट विल हेल्प द डॉक्टर ग्रेटली इफ वी कैन टेल हिम व्हाट काइंड ऑफ स्नेक और डॉग इट वाज और डिस्क्राइब इट। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ तक।
फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई शुड यू प्लेस द हेड ऑफ अ ड्रॉन पर्सन लोअर देन द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी। ठीक है, कहता है कि आपको उसका सर क्यों नीचे रखना चाहिए और बाकी बॉडी को थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इसी पैराग्राफ जहाँ पे आपने ये थ्री क्वेश्चन आपका एंड हुआ है ना, इसी से आगे आप देखें। इफ वी फाइंड अ ड्राइंग पर्सन वी शुड मेक हिम लाई डाउन विद हिज हेड लोअर देन द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी सो दैट द वाटर ड्रेन्स आउट। ठीक है, ये यहाँ तक है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगी डिड यू एवर रिसीव फर्स्ट एड हाउ। ठीक है, आपने फर्स्ट एड रिसीव की है कभी, मतलब आपको मिली है तो वो ये बात पूछ रहा है, इसलिए ये बुक में नहीं है तो मैं आपको ये लिखवा देती हूँ फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। Yes. I got first image. When I was a child. अच्छा ये देखें, ये वो कह रहे हैं कि यस आई गॉट फर्स्ट एड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैंने हासिल की थी फर्स्ट एड इब्तदात जब मैं बच्चा था। आई वाज हर्ट ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के दौरान मुझे लग गई थी। अ यंग मैन हेल्प मी एट वंस, अचानक मेरी एक जवान आदमी ने मदद की एंड ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द वाउंड, और जहन से जो ब्लीडिंग हो रही थी ना मेरे जहन में उसने वो रोकने की कोशिश की थी। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन फाइव। तो ये जो नीचे ट्रू और अनट्रू ये जो लिखे हुए हैं ना, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने घर से करनी है, मैं ये आपको नहीं करवाऊंगी। ठीक है, आपको हर चीज़ पक्की पकाई नहीं मिलेगी, आप लोगों को खुद भी कुछ पकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये
हो गया आपका। देन हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे अगले चैप्टर का नाम है सेफ जर्नी। ठीक है, हमारे अगले चैप्टर का नाम है सेफ जर्नी। हम थोड़ी सी आज ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। सेफ जर्नी, इसका हमारा हो जाएगा पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे इस चैप्टर के दो पार्ट होंगे। अच्छा, तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन से। ठीक है, सेफ जर्नी का मतलब ये है कि सेफ जर्नी हिफाजती सफर। ठीक है, सेफ हिफाजती जर्नी सफर, हमारा जो सफर है वो हिफाजत से। ठीक है, अब ट्रांसलेशन से हम स्टार्ट करते हैं। We are living in age of technology. ठीक है, we are living, हम रह रहे हैं in the age of technology, technology के दौर में। ठीक है, technology has made our life much easier. Technology has made, technology ने बनाती है our life, हमारी जिंदगी much easier, बहुत ज़्यादा आसान। Then it used to be in the distant past, जो जैसे के हमारा past था। ठीक है, पास के दौर में जैसे थे हम। ठीक है, उससे हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। डिस्टेंट पास, जो हमारा पास था, हमारे पास से हमारा आज बहुत ज्यादा आसान हो गया है। और ऐसा किसने किया है? टेक्नोलॉजी ने। द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल हैज मेड अवर जर्नी कंफर्टेबल। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन, मुतारफ होना ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल कहते हैं गाड़ियों को, गाड़ियों का मुतारफ होना हैज मेड अवर जर्नी, इसने बना दिया है हमारे सफर को कंफर्टेबल, आरामदायक। ठीक है, गाड़ियों के मुतारफ होने ने हमारे सफर को बहुत ज्यादा आरामदायक बना दिया है। One can travel from one place of the country to another in a few hours. कह रहा है कि one can travel, कोई भी एक travel सफर कर सकता है from one place of the country, मुल्क की किसी भी एक जगह से to another, दूसरी जगह तक in a few hours. कह रहा है कि मुल्क के किसी भी हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने तक इंसान ट्रेवल कर सकता है इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में। ठीक है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कुछ ही घंटों में वो पहुंच जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिवाइड रोड ट्रांसपोर्ट। कह रहा है कि दिस इज ऑल बिकॉज, ये सब कुछ हुआ है ऑफ द डिवाइड जदीद रोड ट्रांसपोर्ट, नकल जो जदीद जो नकल व हमल हुई है, या ये जो जदीद ज़राए हैं नकल व हमल के, सफ़र करने के जो जदीद ज़राए हैं, ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है, लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी, किसी भी दूसरी टेक्नोलॉजी की तरह, लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी, किसी भी दूसरी टेक्नोलॉजी की तरह, द मोटर व्हीकल्स, मोटर जो गाड़ियाँ होती हैं, मोटर गाड़ियाँ, आर अ डबल एज स्वॉर्ड। कहता है कि किसी भी दूसरी टेक्नोलॉजी की तरह मोटर गाड़ियाँ भी एक दो धारी तलवार है। ठीक है, दो धारी तलवार है, स्वॉर्ड और तलवार। ठीक है, दे गिव अस
They give us ease and comfortable and save our time. ठीक है, कहता है कि दो तरह से हमारी दोहरी मतलब तलवार है. एक तलवार तो एक ही होती है ना, लेकिन उसने हमें समझाने के लिए कि जैसे हम एक तलवार से दो शिकार कहते हैं ना, तो वैसे ही ये भी है कि मतलब अब गाड़ियों से हमें दोहरा फायदा होता है. तो वो ये कह रहा है कि ये हमें आसानी भी देगी, बस ईज कहते हैं आसानी को, एंड कंफर्ट और आराम देती है, एंड सेव अवर टाइम. ठीक है, एक तो ये हमारे लिए आसानी करती है, दूसरा ये हमें आराम भी देती है, तीसरा ये हमारे टाइम को भी सेव करती है. इससे हमें दो तीन तरह के फायदे हो गए हैं. अच्छा जी, बट दे मे ऑल्सो बिकम डेडली मिजीलिस. कहता है कि मिजीलिस होता है जानलेवा. ठीक है, जानलेवा डेडली मिजीलिस जानलेवा मिजाइल, एक तरह से ये जानलेवा मिजाइल की तरह भी होती है. बट दे मे ऑल्सो बिकम डेडली मिजीलिस. तो कहते हैं कि ये एक तो हमें आराम भी देती है, और दूसरा इसके ये नुकसान है कि ये जानलेवा भी है. ठीक है, इफ नॉट यूज्ड विद केयर, अगर हम इसको एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी कैन बी बेनिफिट फ्रॉम देम, हम इसे फायदा भी हासिल करते हैं. ओनली इफ, सिर्फ अगर वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स केयरफुली. अब दोहरी तलवार का मतलब ये था कि एक तरफ से इसका बहुत ज़्यादा हमें फायदा भी है, और दूसरा हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी है. ठीक है, और फायदा इस तरह से है कि हमारे टाइम भी हमारा सेव करती है, और हमें आसानी भी देती है, हमें आराम भी देती है, हम आराम और सुकून से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. और दूसरी बात जो इसकी है, इसका जो नुकसान है, एक फायदा, अब दूसरा नुकसान, कि ये एक जानलेवा मिजाइल की तरह है. मतलब अगर हम ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हमारी जान भी जा सकती है, कितने एक्सीडेंट होते हैं. तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर हम ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी जान भी जा सकती है. वी कैन बेनिफिट फ्रॉम देम ओनली वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स केयरफुली, अगर हम एहतियात से ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करेंगे, तो हम इसे फायदा हासिल कर सकते हैं. अगर हम ट्रैफिक रूल को फॉलो ना करेंगे, तो हम इसके नुकसान ही उठाएंगे, हम इसका फायदा हासिल नहीं कर सकेंगे. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस, ये हम सबकी जिम्मेदारी है. द ट्रैफिक पुलिस द ड्राइवर, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस जो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, जो पुलिस होती है, द ड्राइवर्स जो ड्राइवर होते हैं गाड़ी चलाने वाले, एंड द कॉमन पीपल और जो आम लोग होते हैं, टू इंश्योर रोड सेफ्टी. ठीक है, ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस, ड्राइवर हजरात और आम लोगों की के सड़क पर हिफाजत को यकीनी बनाएं, कि वो सड़क पर हिफाजत को यकीनी बनाएं. ट्रैफिक पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो गाड़ियों का चेक करें, अगर कोई छोटी एज का लड़का चला रहा है गाड़ी, तो वो उसे रोक दे. तो दूसरा ये कि ड्राइवर्स की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें. तीसरा, हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम भी चलते फिर हम अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो हम भी तरीके से रोड क्रॉस करें, रोड पर दौड़े ना. तो इतना आपने कर लिया है रोड सेफ्टी का, बाकी जो है वो हम कल करेंगे, साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे, वो लेक्चर इस लेक्चर के पार्ट टू में करेंगे. ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़.